नमस्कार दोस्तों, मैं ओम यादव, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं एक ऐसे महान योद्धा की कहानी आपको सुनाने वाला हूं जिसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बात कर रहा हूं मंगल पांडे की, तो आप गलत सोच रहे हैं। मंगल पांडे का नाम तो भारत के जातिवादी मानसिकता के इतिहासकारों ने इतिहास के पन्नों में मंगल पांडे का महिमा मंडन करने के लिए दर्ज कराया था। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे महान योद्धा की जिसका ताल्लुक तमिलनाडु से था। इस महान योद्धा ने 1857 की क्रांति के 100 वर्ष पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ विरुद्ध का बिगुल फूंक दिया था, लेकिन इतिहास के पन्नों में इसका जिक्र बहुत कम देखने को मिलता है। खासतौर पर उत्तर भारत में तो इसके बारे में किसी को पता भी नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इसी की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस कहानी की शुरुआत 1728 में होती है, जब अलगुमुथु का जन्म तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट गांव कट्टलकुलम में एक यादव परिवार में होता है। बताया जाता है महावीर अलगुमुथु बचपन से ही बहुत बहादुर थे। उनको तलवारबाजी का काफ़ी शौक था, जिसके बाद आगे चलकर उन्होंने तलवारबाजी में शिक्षा भी ग्रहण की। उसके बाद उनको तलवारबाजी में हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। तलवार के धनी इस जाबाज योद्धा का शरीर भीमकाय तथा व्यक्तित्व काफ़ी आकर्षक था। इनका पूरा नाम महावीरन अलगुमुथु कोने यादव था। महावीरन का अर्थ होता है वीरों में वीर। यह नाम इनके राज्य की जनता ने इनको दिया था इनकी वीरता को देखते हुए। महावीरन अलगुमुथु तिरुनेलवेली क्षेत्र के इटैपा के पोलिगर राजा इटैपा नायकर के सेनापति हुआ करते थे। पहले वह मदुरे नायक के कुशल सेनापति थे, परंतु कुछ मतभेद के कारण उन्होंने वह पद त्याग दिया। उसके बाद पोलेगर राजा ने उन्हें सहर्ष अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। उस वक्त तक अंग्रेज भारत में अपने पैर पसार रहे थे। धीरे धीरे करके अंग्रेज एक एक राज्य को अपने जीतते चले जा रहे थे। उनकी फूट डालो और राज करो की नीति काम करने लगी थी। अंग्रेजों के अत्याचार से जब समस्त आर्यवर्त की भूमि कहाँ उठी, समस्त राजा और मंत्री अंग्रेजों के सामने असहाय होकर अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार करने लगे। ऐसे में महावीर अलगुमुथु कोने यादव ने 1757 में अपने यादव सामंतों के साथ मिलकर यादव सेना का गठन करके ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया। आर्यवर्त की धरती को अंग्रेजों से मुक्त कराने हेतु अलगुमुथु और उनके सामंतों ने कहा संघर्ष किया। पहले ही दिन युद्ध में अलगुमुथु और उनके 700 यादवों ने मिलकर अंग्रेजों के हजारों सैनिकों को मार गिराया। करीब 2 साल तक चले इस संघर्ष में विद्रोह को दमन करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने उनके राज्य पर कब्जा करने में कामयाबी हासिल कर ली, जिसके बाद राजा व सेनापति अलगुमुथु कोन ने जंगलों में शरण ली और वहीं से चोरी छुपे युद्ध करने लगे। बाद में पठन कुनर के लोगों के विश्वासघात के चलते अलगुमुथु व उनके साथ साथी बिरांडी मेड नामक स्थान पर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में शहीद हो गए। इतिहासकारों के अनुसार अलगुमुथु को अंग्रेजों ने उनकी अधीनता स्वीकार करने को कहा, किंतु उन्होंने व उनके सभी साथियों ने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करने से मना कर दिया, जिससे क्रोधित होकर अंग्रेजों ने समस्त सैनिकों के दाहिने हाथ को कटवा दिया और अलगुमुथु को तोप से बांधकर उड़ा दिया। इतना ही नहीं, भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी अलगुमुथु कोने यादव के जीवन चित्रण हेतु 2012 में निर्मित वृत्त चित्र के अनावरण समारोह के अवसर पर तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा, अलगुमुथु कोने यादव ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाले उनके सैनिकों में से एक थे, जिन्होंने विदेशी शासकों के खिलाफ आम जनता की चेतना को जागृत किया था। उन्होंने इस अवसर पर अलगुमुथु कोने के समृद्ध यादव समुदाय पर आधारित एक शोध पत्र का विमोचन भी किया। साथ ही साथ अलगुमुथु डाक टिकट का विमोचन केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने किया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश के हर नागरिक को इस योद्धा के बारे में पता चले। यही हमारी तरफ से इनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।